हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ इफ फॉर्मूले के तीन वेरिएशन, जिसमें आपको बताऊंगा कि इफ फॉर्मूले को तीन तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे और यूज करते होंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत ही आपके काम आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आगे मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और आप मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, नंबर वन, हम सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं कि हम इफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसके तीन तरीके आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले तरीके में हमें देखना है कि इफ को कैसे यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है और जिसमें कि मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और हमें ये देखना होता है कि आइदर स्टूडेंट्स फेल हैं या पास हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और इधर ये सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि मैथ में कितने बच्चे पास हैं और कितने फेल हैं। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, देखिए, इक्वल लगाऊंगा, इफ फॉर्मूले का यूज करूंगा, टैब प्रेस करूंगा। जैसा कि एक नॉर्मल सिनेरियो होता है कि लेस देन 35 नंबर जब भी होते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि वो बच्चा फेल है, और अगर ग्रेटर देन 35 है तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा पास है। तो अभी मैं एक सिंपल कंडीशन लगाता हूँ, सिर्फ मैथ के लिए देख रहा हूँ कि इफ कंडीशन ये है कि इफ E5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। मैंने ये कंडीशन लगा दी। अगर आप नीचे देखेंगे, देखिए फॉर्मूले में आ रहा है इफ, ये लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने ये लॉजिकल टेस्ट लगा दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये जो कंडीशन है मैंने लगाई है, अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या मैसेज पास कराना है। तो मुझे कहना है कि वो बच्चा पास है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, पास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमें कोई वैल्यू करेक्टर में देनी होती है तो फिर हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये हो गया कि जब 35 से ग्रेटर नंबर है तब पास, वैल्यू इफ ट्रू। सेकेंड आता है इफ वैल्यू इज फॉल्स, अगर वैल्यू हमारी फॉल्स है तो क्या होगा, तो मैंने इसे कह दिया कि फेल, उस कंडीशन में मैसेज आ जाएगा फेल। मैं एंटर मार देता हूं, अब देखिए पास 49 नंबर है, तो ऑफकोर्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने लिया है तो 35 से ज्यादा है, तो ये पास हो गया। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे सारे में। देखिए सेकेंड है 33 जो कि फेल है, 35 इक्वल और लेस देन था पास है, 30 फेल है, 38 पास है। तो है ना फ्रेंड्स, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। मेरे पास तो ये छोटी लिस्ट है, जब मेरे पास थाउजेंड्स में और लैक्स में स्टूडेंट्स होते हैं तब बहुत मुश्किल होता है कि हम ये कैसे पता करें। अच्छा ठीक है, अब कंडीशन ये आती है कि ये अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो हर एक के लिए मुझे अलग अलग लगाना होगा। अब मुझे जैसे इंग्लिश में देखना है तो कुछ नहीं, मैं यहाँ इसे कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने F5, देखिए ऑटोमेटिकली ये एक्सेल इतना एडवांस है ये ले लेता है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ खींच दूंगा तो देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए 50 पास है, 31 है, 34 है, 25 तीनों फेल है, तो यहाँ पे तीनों फेल आ रहे हैं। सिमिलरली इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पकड़ के खींच दूंगा, देखिए यहाँ पे होगा। आप 8 में देख लीजिए, राइट, लास्ट के 3 ग्रेटर देन 39 है, सिर्फ एक बच्चा फेल है। अब इस चीज को मैं आपको सिखाता हूं, मैंने ये आपको सिंपल फॉर्मूला बताया कि इफ को कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने अब आपको इफ बता दिया, अब सेकंड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, जिसमें कि हम बात करेंगे इफ एंड, अगर हमें एंड कंडीशन लगानी है तो हम इसे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इफ और एंड के कंडीशन में मैंने क्या किया, यहां पे इक्वल लगाया, इफ लिया, राइट, टैब दबाया, उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया, एक दूसरा फंक्शन यूज किया एंड। ये देखिए एंड आ गया। अब एंड में क्या कह रहा है कि इसमें लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, इसमें हम कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि पहला मैंने लगाया E5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 कॉमा F5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 सिमिलरली कॉमा G5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 कॉमा H5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये मेरे क्या हुआ, लॉजिकल, जो मेरा लॉजिक लिखना था मैंने इसमें ये लिख दिया, ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ,
कॉमा लगाते ही देखिए नीचे जो फॉर्मूला है ये अगेन, फिर आ गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या देना है, तो मुझे सिंपल देना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 35 है तो मुझे ये कराना है पास, राइट। उसके बाद कॉमा एल्स, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा मेरा फेल, राइट। तो मैंने यहां कर दिया फेल और मैं कॉमा ये ब्रैकेट बंद कर देता हूं और एंटर दबा देता हूं, ये देखिए पास। और मैं इस फॉर्मूले को पकड़ के खींच देता हूं। अब आप देखिए पास फेल 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 फेल, राइट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब देखिए इस कंडीशन में इसने देखा कि इसमें कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती है तो उसे वो फेल कर देगा। अब देखिए अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहें तो इसमें देखिए हमारा 28 है, 31 है, 33 है, 30 है, लेस देन 30 है सारे। इसमें देखिए सारे लेस देन 35 इक्वल टू है, 1 लेस देन है, लेकिन फिर भी फेल है क्योंकि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला ये कह रहा है कि ये सारी वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक एंड का यूज करके हम एक बार में पता कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्टेटस क्या है। अच्छा, अब फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की, जिसमें कि इफ की तीसरा जो वेरिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हम देखेंगे इफ और। तो देखिए इफ एंड और दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ लगाने का डिफरेंस है, कंडीशन की डिफरेंस होती है। मैंने यहां किया इफ, दूसरा फंक्शन यूज करता हूं और उसके बाद इसमें लॉजिक, लॉजिक सिमिलर मुझे क्या देना है, मैंने कहा कि अगर मेरी E5 की वैल्यू इज लेस देन 35 है, लेस देन 35, देखिए वहां मैंने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां मैंने सिर्फ लेस देन कहा है क्योंकि इक्वल टू हम उसमें ले चुके हैं। कॉमा सेकंड कंडीशन मैंने कह दिया F5 लेस देन 35, थर्ड कंडीशन बोल दी मैंने G5 लेस देन 35, कॉमा फोर्थ कंडीशन मैंने बोल दिया H5 इज लेस देन 35, राइट। और यहां पे मैंने इस ब्रैकेट को कर दिया बंद, कॉमा। अब आप देखिए मैंने कहा इफ और, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है लेस देन 35 है तो मैं क्या कहूंगा कि बच्चा हमारा क्या है, फेल है, फेल। कॉमा अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, बच्चा मेरा पास होगा। मैंने क्या लिख दिया, पास लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर। देखिए सेम रिजल्ट होंगे, कंडीशन सिर्फ डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो देखिए पास फेल फेल, जैसे रिजल्ट मेरा एंड में आ रहा था वैसा ही रिजल्ट मेरा और में आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड होता क्या है, देखिए इस कंडीशन में अब मैंने क्या किया, इसमें पास आ रहा है, अब इसमें मैं कोई भी एक कंडीशन मान के चलिए 40 को मैं यहां कर देता हूं 30, देखिए क्या होगा रिजल्ट, दोनों में फेल हो गया क्योंकि कंडीशन मेरी दोनों में ट्रू नहीं हो पा रही है जो मैंने कंडीशन लगाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इफ इफ एंड और इफ और का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला जब आप अपने काम में यूज करते हैं, जब भी आप किसी बड़ी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले का यूज करके आप बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको बताया है वो जरूरी आपको पसंद आएगा। इस फॉर्मूले को अब आप क्या करें, अपनी एक्सेल पे अपनी एक्सेल एक क्रिएट करें, वहां पे अपना कोई डेटाबेस लें, या फिर आप डे टू डे जो भी काम करते हैं उसमें इस टेक्निक को यूज करके देखें। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जो फॉर्मूले मैंने आज आपको बताए हैं, जो ट्रिक्स और टिप्स जो आपको मैंने दी है, ये बहुत ही आपको काम आएगी, जो आपके काम में चार चांद लगा देगी और आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।